हाँ, तो क्या हाल है जनता। व्हाट्सअप। तो यार व्हाइट शूज सबको पसंद होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं कुछ आउटफिट्स के साथ। बस एक ही प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो आज की वीडियो की बेस्ट वेज बताऊंगा व्हाइट शूज को आप कैसे क्लीन कर सकते हो, वो भी घर पर सिंपल तरीके से। तो करते हैं शुरू। सबसे पहला हैक आता है व्हाइट शूज को क्लीन करने के लिए, टूथपेस्ट। जैसे हमारे टीथ को क्लीन करते हैं वैसे ही शूज को व्हाइटन करता है। बट आपको कलर टूथपेस्ट नहीं यूज करनी, आपको नॉन जेल व्हाइट टूथपेस्ट यूज करनी है। और उसके साथ हमें क्या चाहिए, ओल्ड टूथब्रश। आप ब्रश लो, उस पर टूथपेस्ट लगा लो, अब क्लीन करना शुरू कर दो शूज को। आराम से शूज को क्लीन करो और ट्राई करना, अच्छी तरह आपको शूज रब करना है। फ्रंट पे करो, बैक पे करो, हर जगह अच्छी तरह रब करो। जब आपने इसको अच्छी तरह रब कर लिया, अब इसको 10 से 15 मिनट्स तक ड्राई होने के लिए रहने दो। अब जो हमने टूथपेस्ट लगाई है, अब उसको क्लीन करना है 15 मिनट्स के बाद। आप वेट क्लॉथ लो, उसके साथ आप शूज को क्लीन करना शुरू कर दो। और आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो, जब भी आपके शूज गंदे लग रहे हो आप टूथपेस्ट लो और उससे क्लीन कर लो। और एक और चीज, मैंने टेलीग्राम का चैनल शुरू किया। आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डीएस बॉस को सर्च करोगे, वहां से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर लेना। तो सेकंड हैक आता है शूज को क्लीन करने के लिए, आप एक बाउल ले लो, उसमें 1 टेबलस्पून आप हॉट वाटर ले लो, फिर आप 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ऐड कर लो। अब लास्ट में आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लो और पेस्ट बना लो। अब उसके साथ आपको एक ओल्ड टूथब्रश, अब जो पेस्ट बनाई है टूथब्रश उसमें डिप करो। अब आप पेस्ट रब करना शुरू कर दो शूज पर। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, 2 मिनट में शूज क्लीन नहीं होने वाले, तो इतना स्ट्रेस मत लेना। आराम से करोगे तो आपके शूज क्लीन हो जाएंगे। आप पेस्ट को अच्छी तरह शूज पे लगा लो, फ्रंट पे लगाओ, बैक पे लगाओ, शू लेसिस पर लगा सकते हो। जब आपने पूरे शूज पर पेस्ट लगा लिया, अब इसको ड्राई होने के लिए रहने दो। अब आपको ड्राई होने के लिए शूज को कहाँ रखना है, आपको धूप में नहीं रखना। आपको कहाँ रखना है, शेडी प्लेस में रखना है कि जहाँ धूप नहीं पड़े। जब पेस्ट ड्राई हो गया, आपने दोनों शूज लेके स्लैप करने हैं और अच्छी तरह स्लैप करना कि ड्राई पेस्ट उतर जाए। तो देखो अब आपके व्हाइट शूज दोबारा न्यू हो गए। और एक और चीज, आप मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि गिव अवे कब आएगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, ये वाला पोस्ट होगा, जल्दी से जाके खोलो। तो पोस्ट के नीचे गिव अवे के रूल्स हैं, जल्दी से जाके देख लो और जीत जाओ। तो थर्ड हैक आता है, हम ब्लीच यूज कर सकते हैं व्हाइट शूज को क्लीन करने के लिए। आप थोड़ी सी अमाउंट में ब्लीच ले लो और उसमें 5 टाइम्स ज्यादा वाटर ऐड कर लो। और ज्यादा ब्लीच यूज मत करना, उससे शूज येलो भी हो सकते हैं। अब जो हमने सॉल्यूशन ब्लीच के साथ रेडी किया है, उसमें आप टूथब्रश डिप कर लो। अब आप शूज पर स्क्रब करना शुरू करो, बड़ी आराम से करना। अच्छी तरह स्क्रब करो, बैक पे करो, फ्रंट पे करो, अच्छी तरह शूज पे स्क्रब करो। उसके बाद आपको वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर सॉफ्ट टॉवल डिप कर लो। अब आपको वेट टॉवल के साथ शूज को क्लीन करना है। अच्छी तरह क्लीन कर लो कि सॉल्यूशन रहे ना शूज के ऊपर। अब आपके शूज रेडी हैं। तो चले यार, ये वीडियो खत्म होते हैं कुछ सिंपल वेज थे शूज को क्लीन करने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो करें, डीएम या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।